हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अहमद। आप देख रहे हो इंटीरियर गुरु। आज हम बात करने वाले हैं बिरला एरोकूल पैनल के बारे में। जितने भी मैंने वीडियो डाले उसके नीचे कमेंट्स आता है कि यार जो भी पैनल्स आप रिव्यू करते हो या फिर बताते हो उसका डेमो मुझे भी बता के दिखाओ कि यहाँ पर ये चीज़ बना हुआ है, यहाँ पर नहीं बना हुआ है। तो उससे क्या होगा कि जो भी क्लाइंट्स है या कुछ भी है घर को अपना बनवाना चाहता है या फिर करना चाहता है उस मटेरियल के साथ में जाके, जैसे कि ईंट को छोड़ दिया या फिर इस पैनल के साथ में जाना चाहता है तो उसका डेमो देखना चाहता है। तो सबसे पहले मैं वो डेमो आपको दिखा देता हूँ और पूरा डेमो के साथ नाम और उस साइड का सारे चीज़ एवरीथिंग सबसे पहले मैं उसको बता दूंगा, उसके साथ उसका प्राइस बता दूंगा, उसका डेमो हर चीज़ आप पहले ही देख लो। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे कि यह पैनल यूज ही नहीं होता, सिर्फ वीडियो में आके ऐसे बता के चले जाते। बहुत ही ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं यार। जो भी मार्केट में जो भी मटेरियल आता है यार वो काफ़ी बड़े लेवल पर तो नहीं यूज होता, जैसे कि ईंट और सिरमिट, जैसे कि ऐसे ऐसे सिरमिट और ईंट काफ़ी बड़े लेवल पे यूज होता है क्योंकि वो यार लोकली काफ़ी ज़्यादा बनता है। ये क्या होता है, एक फैक्ट्री लगानी पड़ती इस सारे पैनल के लिए, तब जाके यार ये मैन्युफैक्चर होता है। एक जगह जगह पे तो यार ये फैक्ट्री लगा नहीं सकते, इसके लिए पॉसिबल नहीं कि हर जगह पे पूरे इंडिया में पहुँचाया जा सके। लेकिन जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो लोग ऑर्डर करते हैं और वहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, ऑर्डर देने के बाद फिर ये बनता है। तो सबसे पहले आप पूरा डेमो देख लो कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर ये साइड पर यूज हुआ है। सबसे पहले हम बिरला ग्रुप की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था कॉटन बनाना, और कॉटन बनाना ये अहमदाबाद से स्टार्ट किए थे, बेसिकली वहीं पर रहते थे। उसके बाद ये पूरी दुनिया में यानी कॉटन अपना सप्लाई करने लगे। उसके बाद 1840 की बात कर रहा हूँ, 1840 और 1909 तक ये सिर्फ कॉटन बनाते रहे और पूरी दुनिया में ये एक्सपोर्ट भी करते रहे, इंग्लैंड, ब्रिटेन, बहुत सारे देश के साथ ये करते रहे। उसके इन्होंने 1947 आते आते इंडिया के यंगेस्ट, इंडिया के एंटरप्रेन्योर बन चुके थे। वो तो बाद में बात करेंगे यार, इनकी ये पूरी हिस्ट्री अगर हम बताने जाऊंगा तो पूरा का पूरा 10 से 20 मिनट लग जाएगा, लेकिन हिस्ट्री नहीं जानेंगे हम, इस पैनल के बारे में जानेंगे, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसका प्राइस जो होता है 55 रुपया पर स्क्वायर फीट होता है, 120 रुपया पर स्क्वायर फीट होता है। अब ये स्क्वायर फीट कैसे काउंट होता है, बेसिकली एक फीट का 55 रुपया आपसे लेंगे। जैसे इसमें यार 2-3 साइजेस होता है, साइजेस यानी थिकनेस होती है, 55 mm यानी 50 mm और 75 mm यानी कितना थिकनेस होता है, और इसके साइज इसके साथ में आपका प्राइस नीचे ऊपर होता है। जैसे कि 55 इंच का अगर पास 55 रुपये का लेते हैं तो आपको 50 mm का थिकनेस का मिलेगा। किस चीज़ का बनता है ये पैनल, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये पैनल को बनाने के लिए सीमेंट का यूज किया जाता है, उसके साथ में लाइट वेट कंक्रीट आता है उसका यूज किया जाता है, उसको दोनों को मिला के यानी अलग अलग बनाया जाता है। ये जैसे कि कंक्रीट सीमेंट अलग बना दिया बनाया जाता है, उसके बाद कॉन्क्रीट का जो लाइट वेट रहता है उसको अलग बनाया जाता है, उसको दोनों को सैंडविच किया जाता है, उसके साथ में ये बन के रेडी हो जाता है। बेसिकली बिल्कुल भी लाइट वेट रहता है और उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। अभी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है ब्रिक से, जैसे कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा, इसका जो ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सस्ता पड़ता है। यानी कि अगर आप ब्रिक के साथ जाना चाहते हैं तो ब्रिक के साथ जा सकते हो, यानी कि ईंट के साथ जा सकते हो, इसके साथ आपके लिए नहीं है, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ही कॉस्ट महंगा पड़ता है, तो ये आपको कॉस्टली ही पड़ेगा ब्रिक्स के अगर कंपेयर करेंगे तो। लेकिन यार इसका फ़ायदा क्या होता है, ये काफ़ी ब्रिक्स से काफ़ी ज़्यादा फीचर वाला पैनल है, जो कि फ़ीचर अभी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में क्या होगा कि जैसे कि ये पैनल को काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है, छोटी छोटी जगहों पे यूज किया जा सकता है, छोटा छोटा केबिन बनाया जा सकता है, छोटे छोटे रूम बना सकते हैं, मेजर नाइन बना सकते हैं। जैसे कि शोरूम बना रहे छोटा सा, तो शोरूम के ऊपर मेजर नाइन देना और भी फ्लोर देना है तो छोटा सा फ्लोर देते थे, यानी कि मेन फ्लोर आपका जैसे कि 12 फीट हाइट है उसके ऊपर बीच में मेजर नाइन डालना चाहते हो 9 फीट के बाद, यानी मतलब कुल मिला जुला के अब 9 फीट क्या 7 फीट के बाद 7 यानी कि 12 फीट है, तो 7 फीट पर आप मेजर 9 डालना चाहते हो मेजर 9 भी डाल सकते हो। इसका की फीचर होगा, इसमें की फीचर में क्या आएगा, जैसे कि इसका कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव तो हाई है, इसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छा होता है और इस पर टाइल्स भी लगा सकते, पेंट भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, और ये कुल मिला जुला के हर फीचर के अंदर आता है, साउंड प्रूफ और उस टर्माइट फ्री साउंड प्रूफ, कुल मिला जुला के हर चीज़ से ये लेस है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के। डिसएडवांटेज यह क्या कि इसको यार बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और
जो कि जो घर बनाते हैं क्लाइंट होते हैं उनको ये पसंद नहीं आता है पैनल, बहुत ही रेयर लोग ये पसंद करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये यूज में नहीं आता, यूज में भी, जैसे कि मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा पड़ जाता है। ब्रिक की बात करें, ईंट की बात करें, ईंट से काफ़ी ज़्यादा महंगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ जाता है। एब्सोल्युटली यार ब्रिक से महंगा ही पड़ेगा। अगर आप ब्रिक के साथ में जाना चाहते हैं तो ब्रिक से आप जा सकते हो, लेकिन इसके साथ में नहीं जा सकते, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ा महंगा पड़ता है ईंट से। अब हम इसकी की फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। की फीचर में क्या होता है कि ये पूरी तरीके से ओवरऑल लाइट वेट होता है, फायर असिस्टेंट, साउंड प्रूफ, इंसुलेशन और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। और इसमें यार बहुत मॉइस्चर भी नहीं लगते और टर्माइट तो बिल्कुल भी फ्री है। कुल मिला जुला के इसका फिनिशिंग भी अच्छा आता है। हर तरीके से कुल मिला जुला के ये पैनल काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये पैनल का वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं और लाइक से सब्सक्राइब जरूर।